हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही यूजफुल और छोटी सी कहानी जिसमें तीन महत्वपूर्ण किरदार हैं। नंबर 1 गोधन, नंबर 2 मुनरी और नंबर 3 गुलरी काकी। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे कॉपी में लिखकर क्यों नहीं समझाया, क्योंकि बच्चों कहानी होती ही ऐसी है कि कहानी को अगर आप सुन लेंगे लास्ट तक तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको लिखने की, अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आप आसानी से चाहे जहां लिख सकते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम में, या आपको अगर ये कहानी कोई पूछता है तो भी आप उसे आसानी से बता सकते हैं सिर्फ सुनने से। तो हमें यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको इस तरह सुनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो तीनों किरदार को समझिए, गोधन, गुलरी काकी और मुनरी। अब गोधन कौन है? इस कहानी का नायक है, ठीक है। और मुनरी क्या है? उसकी प्रेमिका है, ठीक है, या नायिका आप कह सकते हैं। और गुलरी काकी कौन है? मुनरी की माँ है, ठीक है, गुलरी काकी। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो इसको लास्ट तक सुनिएगा, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग इन कैंडिडेट को थोड़ा सा नीचे करते हैं और कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो पंचलाइट कहानी है स्टूडेंट, इसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा था। ये जो रेणु है, इसका पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक, रेणु है, ठीक है, उनकी ये कहानी है। अब देखिए, कहानी में उन्होंने क्या किया है, बिहार के एक पिछड़े गांव, जो पिछड़ा गांव है, देहाती गांव, उसके परिवेश का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। अब क्या कहा है उन्होंने, उसी बिहार के गांव में एक महतो टोली है, ठीक है, एक टोली है महतो, उसमें अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने क्या किया, रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, ठीक है, चंदा इकट्ठा करके, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, ठीक है। यानी कि बिहार में एक महतो टोली है, में कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं जिन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स का चित्र आपको बगल में दिख रहा होगा, यही पेट्रोमैक्स है, ठीक है, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। अब देखिए, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग जो हैं सम्मान की चीज समझते हैं, यानी कि देहाती हैं तो ये पंचलाइट को बहुत बड़ा चीज समझते हैं और सम्मान की चीज समझते हैं। किसको? पंचलाइट को, ठीक है, कि अगर मैं ले आऊं तो मेरा बहुत ज्यादा सम्मान होगा गांव में। अब देखिए, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। अब पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि बच्चों, जो पंचलाइट जब उनके गांव में आया रामनवमी के मेले में, तो उसको देखने के लिए गांव के जितने भी बच्चे थे, औरतें थीं, मर्द थीं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार जो है उस गांव का पंचलाइट लाता है। अब देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि इतना बड़ा चीज उस पंचलाइट को ये लोग मान रहे हैं कि कह रहे हैं ये हमारे गांव में आया है, तो सरदार जो है उस गांव की, वो पत्नी को अपने कह रहे हैं कि शुभ कार्य जब आप करें तो उससे पहले पूजा पाठ जरूर कर लें ताकि दिन अच्छा जाए, ठीक है, और पंचलाइट जल जाए। अभी देखना क्या होगा, मजा बहुत आने वाला है इस कहानी में, लास्ट तक सुनिएगा। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब समस्या ये उठ रही है कि बच्चों, पंचलाइट कौन जलाएगा, पंचलाइट को जला कौन सकता है जब सभी लोग अनपढ़ हैं, यानी कि अशिक्षित हैं, तो वो जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। अब पेट्रोमैक्स को ही ये लोग पंचलाइट कहते थे, ठीक है, तो पेट्रोमैक्स को जो है सीधे साधे लोग नहीं जलाना जानते थे। तो इतने का मतलब क्या हुआ, महती टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं जिन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, पंचलाइट जो है उसको देखने के लिए क्या हुआ, गांव के सभी बालक, औरतें और मर्द आ गए। सरदार ने कहा कि अपनी पत्नी से आदेश दिया कि शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ कर लो, लेकिन सवाल ये उठा बच्चों बाद में कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। अब आगे देखिए, अभी ये जो हीरो है बच्चों, ये कुछ करके दिखाएगा। अब देखिए, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ये जो गोधन दिख रहे हैं यहाँ पर, इस नाम का एक युवक है, इसी टोली में रहता है। अब क्या हुआ था बच्चों, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। ये भाई साहब, इनसे जो है गोधन, इनसे मुनरी से प्रेम करता था, लव करता था। अब आगे देखिए, मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। यानी कि ये जो भाई, ये जो हैं गुलरी काकी, इन्होंने इनकी शिकायत लेकर चली गई ये किसको, पंचों के पास, जो पंचायत के मुखिया होते हैं उनके पास,
इन्होंने गुलरी काकी ने गोधन का शिकायत लेकर गया कि ये मुनरी को छेड़ता है, इन्हें छेड़ता है। अब आगे देखिए क्या होता है बच्चों, अभी ये गाना वाना गाएंगे ये गोधन, तो देखते रहिए। अब देखिए इन्होंने मुखिया से शिकायत क्या की थी, देखिए मुनरी की मैंने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि ये जो गुलरी काकी और मुनरी बेटी और माँ के जो घर है इन दोनों का, इनके सामने जो है ये भाई साहब गाना गाते हुए निकलते हैं, ठीक है। और कौन सा गाना गाते हैं भी देखना, सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था, ये जो गोधन है बच्चों इसे जो है पंचों ने अपने जात से निकाल दिया था, अपने गांव से ही निकाल दिया था। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, यानी कि जो पंचलाइट लाया गया बच्चों वो गोधन जिसको पंचों ने बाहर कर दिया था गांव से, तो मुनरी जानती थी कि गोधन को पंचलाइट जलाना पता है, ये पंचलाइट ये भाई साहब जला सकते थे। किसको पता था, मुनरी को, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका थी, ठीक है, जला सकता है। अब वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, ये जाती है पंचों तक पहुंचा देती है, कौन, मुनरी, ये जो है पंचों तक पहुंचा देती है बात कि जो है गोधन जलाना जानता है पंचलाइट अपनी सखी से कहकर, ठीक है। अब देखिए पहुंचा देती है, पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। अब पंच क्या होते हैं बच्चों, पुनः जात में उसे गोधन को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो गोधन है बच्चों वो पंचलाइट जला देता है अंत में, भले ही वो सलीमा का गाना गाता हो कि सलम ले, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस ये जो है गोधन बाद में पंचलाइट को जला देता है आइडिया से किसी तरह। अब आप लोगों को ऐसे ही लिखना है अगर बोर्ड परीक्षा में पंचलाइट पूछा जाता है तो। अब आगे देखिए, मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जो गुलरी काकी हैं ये इनको निमंत्रण देती हैं, भाई साहब को, देखिए इनको निमंत्रण देती हैं शाम के भोजन के लिए, क्यों, क्योंकि बहुत खुश हैं, उन्होंने पंचलाइट को, ये जो है ये पंचलाइट को इन्होंने जला दिया है, तो ये इनको क्या करती हैं डिनर के लिए बुलाती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए पहुंचा देती हैं, पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। अब देखिए पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, यानी कि पंच जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित होकर इनसे कहते हैं जिनको उन्होंने जात से निकाल दिया था, तो गोधन ने क्या किया पंचलाइट जला दिया, तो पंच भी इनसे कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि वो गोधन से कहते हैं कि चाहे जितना गाना गाओ इनके घर के सामने से जाकर, अब तुम्हारा सब कुछ माफ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चाहे जो करो। अब देखिए पंचलाइट की रोशनी में लोग जो है भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, तो इसकी रोशनी में लोग भजन कीर्तन करके उत्सव मनाते हैं। अब ये देखिए इसका कथानक क्या है, तो कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इन तीनों के साथ कहानी को, तो धीरे धीरे समझिए। अब पूरी कहानी मैं बोलने जा रहा हूँ मात्र 1 मिनट में, देखिए कैसे और क्या हुआ था। बिहार के गांव में एक महतो टोली रहती थी जिसमें अशिक्षित लोग रहते थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा, ठीक है। अब क्या हुआ, पंचलाइट को सीधे साधे लोग ये सब जला नहीं सकते थे, लेकर चले आए। उसके बाद में जब लेकर आए सरदार, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पूजा पाठ कर लेना, तभी इसे लाने से पहले पूजा पाठ कर लेना, ठीक है। तो ये सब हुआ, तब बाद में सवाल ये उठा कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। अब इसी गांव में एक युवक रहता था गोधन, जो कि क्या करता था, ये जो गुलरी काकी और मुनरी थी वो मुनरी से प्रेम करता था, और इस इनके घर से जब जाता था सामने से, तो वो सलीमा का गाना गाते हुए जाता था, ठीक है, बढ़िया वाला। तो गाना गाते हुए जब वो जाता था, तो ये जो गुलरी काकी थी ये बहुत परेशान होती थी कि ये हमारे घर के सामने से गाना क्यों गाते हुए जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पंच पंच पंचायत जो होती है गांव में, उनके पंच से, मुखिया से शिकायत कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो मुखिया ने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने गोधन को अपने जात से ही निकाल दिया, गांव से ही निकाल दिया। तो क्या हुआ बाद में, जब ये लोग पंचलाइट लाए, तो गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता था, तो ये मुनरी को केवल पता था कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है, ठीक है। तो पंचलाइट इतना आवश्यक नहीं था जलाना, लेकिन क्यों जलाना आवश्यक था, क्योंकि बगल के गांव वाले मजे लेते थे, ठीक है, कि पंचलाइट लाए हैं उसको जलाने का, कोई जलाने को ही नहीं जानता है। तो मुनरी क्या करती है, किसी तरह
इस बात को पहुंचा देती है सरदार के पास कि गोधन जो है जलाना जानता है पंचलाइट। तो गोधन को बुलाया जाता है अपनी गांव की इज्जत रखने के लिए। तो गोधन क्या होता है, पंचलाइट को जला देता है, जिससे गांव के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गोधन को कह देते हैं कि खूब गाओ गाना, ठीक है। और गुलरी काकी भी उन्हें डिनर के लिए यानी कि रात्रि के भोजन के लिए निमंत्रण करती है, ठीक है। बस यही था स्टूडेंट ये कहानी पंचलाइट। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो, आपको एक कहानी याद हो गई हो, तो बहुत अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। आप अब इसे आप लिख सकते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी को फुनने के बाद आप इसे आसानी से लिख सकते हैं अगर सारांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो करके जरूर बताना कमेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।